फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फर्स्ट बाइट टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार। और अगर आप भी फर्दर स्टडीज के लिए ब्रिटेन जाना चाहते हैं और आपको वीजा नहीं मिल पा रहा है या आप वहां की वीजा पॉलिसीज से रूबरू नहीं हैं, तो अब बेफिक्र हो जाइए क्योंकि ब्रिटेन ने वीजा नियम बदल दिया जिससे अब भारतीय छात्रों को काफी लाभ होगा। जी हाँ, ब्रिटेन ने अपने वीजा नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए 2 साल के लिए नए पोस्ट स्टडी वीजा का ऐलान किया है। इस वीजा से भारतीय छात्रों को लाभ होने की संभावना जताई जा रही है। इस वीजा के तहत विदेशी छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ब्रिटेन में 2 साल तक रहकर नौकरी कर सकेंगे या काम तलाश कर सकेंगे। इस नए वीजा कार्यक्रम को अगले साल से प्रभावी किया जाएगा। मौजूदा नियम के तहत विदेशी छात्रों को ग्रेजुएशन करने के बाद सिर्फ 4 महीने तक ब्रिटेन में रहने की इजाजत है, लेकिन नियमों में बदलाव के चलते अब स्टूडेंट्स को राहत मिल सकती है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बुधवार को कहा कि नए बदलाव से छात्र ब्रिटेन में अपना करियर संवार सकेंगे। जॉनसन सरकार में गृह मंत्री भारतवंशी प्रीति पटेल ने कहा कि नए बदलाव से अंतरराष्ट्रीय छात्र ब्रिटेन में साइंस, मैथ या प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकेंगे। पढ़ाई के बाद वो एक्सपीरियंस गेन करके सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं। पोस्ट स्टडीज दोबारा शुरू करने के फैसले का ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज के प्रमुखों और प्रतिनिधियों ने स्वागत किया है। यूनिवर्सिटीज UK इंटरनेशनल की निदेशक विविनस्टन ने कहा कि करीब 82% भारतीय छात्र करियर से सेटिस्फाइड हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी अपडेट्स को जानने के लिए लगातार बने रहिए फर्स्ट बाइट के साथ। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।